लापरवाह ठेकेदारों के चलते नगर में प्रताप वार्ड सहित नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य रुके। नगर पालिका ने कई ठेकेदारों को दिए नोटिस, दो ठेकेदारों को नगर पालिका ने किया ब्लैकलिस्ट। दरअसल नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका के द्वारा प्रताप वार्ड सहित कई वार्डों में निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन लापरवाह ठेकेदारों की वजह से नगर में विकास कार्य रुक गए। वहीं कई वार्डों में ठेकेदारों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किए और कई वार्डों में कार्य अधूरे पड़े हैं, जिसमें परमार कंस्ट्रक्शन के द्वारा प्रताप वार्ड व अन्य वार्डों में विशेष निधि से सीसी रोड का निर्माण, सीआर कंस्ट्रक्शन के द्वारा मुख्यमंत्री अधोसंरचना फेज टू का काम, अंबेडकर तिराहे पर डिवाइडर का काम, मोहासा तिराहा से फिल्टर प्लांट पर WBM रोड का काम अधूरा पड़ा है, जिसके चलते नगर पालिका के द्वारा संबंधित ठेकेदारों को नोटिस भी दिए गए हैं। वहीं आरके बिल्डकॉन कंपनी के ठेकेदार राजन तिवारी सहित दो ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट भी किया जा चुका है। नगर पालिका CMO सुरेखा जाटव का कहना है कि अगर अन्य ठेकेदारों के द्वारा जल्द काम शुरू नहीं किया गया तो और भी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अभी नगर पालिका ने पिछले साल कई सारे ऐसे टेंडर जारी किए थे जिसमें रोड नाली और कुछ हमारे अधोसंरचना से संबंधित काम होने थे, पर ठेकेदारों द्वारा बहुत ज़्यादा बिलो रेट डाल दिए, उसके बाद काम शुरू नहीं कर रहे हैं और कुछ ठेकेदारों ने एक साथ छः सात काम ले लिए हैं, जिसके कारण वो एक काम ख़त्म करते हैं तभी दूसरा शुरू करते हैं और उनको कई सारे नोटिस भी जारी किए हैं और इसमें से दो ठेकेदार हमने ब्लैकलिस्ट भी किए हैं और आगे की बैठक में अभी जो और काम हमारे रुके हुए हैं उन्हें भी हम ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करेंगे। अंबेडकर तिराहा भी हमारा CM अधोसंरचना द्वितीय चरण का जो काम था उसका लगभग हमने फुटपाथ वगैरह काम करा दिया था, इसके बाद वो ठेकेदार डिवाइडर का काम शुरू नहीं कर रहे हैं, तो उन ठेकेदार को भी नोटिस भी जारी किया है, चर्चा भी की है, उनका कहना था दिवाली के बाद शुरू करेंगे, अभी हम 3 दिन देख लेते हैं, यदि शुरू नहीं करेंगे तो उनकी भी ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई।